हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे सीधे गुरुग्राम से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पल पल का अपडेट लगातार आपको दे रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की सेहत से जुड़ा हुआ वीरेश, क्या स्थिति वहां पर है इस वक्त? आप मेदांता में मौजूद हैं, आज सुबह से आप वहां पर मौजूद हैं और लगातार दर्शकों को पल पल का अपडेट दे रहे हैं। वीरेश, देखिए अभी की ताजा स्थिति यह है कि अखिलेश यादव जा चुके हैं, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जा चुके हैं। जाने से पहले कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की, आश्वासन दिया, भरोसा दिया कि मुलायम सिंह की स्थिति में सुधार है, लेकिन जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया था वो यथा स्थिति बनी हुई है। जो राजनीतिक और जो जीवन गाथा है मुलायम सिंह का, वो संघर्षमय रहा है हमेशा से, और वही संघर्ष चल रहा है। किसी व्यक्ति के ऊपर, राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर रोहित जी, जब कोई गीतकार गीत लिखता है तो उसके अपने मायने होते हैं, व्यक्तित्व से बड़ा मेल खाता है, और मुलायम सिंह पर लिखे कई ऐसे गाने हैं, कई ऐसे गीत हैं जो उनके व्यक्तित्व और संघर्ष से मेल खाते हैं। तो एक गाना है जो हम लोग लगातार चला रहे हैं, मन से मुलायम इरादे लोहा हैं, उनका लौह संघर्ष चल रहा है। और एक और गाना बहुत प्रसिद्ध है जो उनके ऊपर लिखा गया, धरती और गगन में अब तक, धरती और गगन में अब तक जिसका जलवा कायम है, जिसने कभी न झुकना सीखा, उसका नाम मुलायम है। तो वो मुलायम सिंह यादव संघर्ष कर रहे हैं और मौत से, मौत को दो चार चुनौती दे रहे हैं। वो संघर्ष की उनकी यात्रा रही है, लगातार जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष चल रहा है। लेकिन जो उनके समर्थक हैं, जो उनके जानने वाले पहचानने वाले हैं, वो जानते हैं कि लौ संघर्ष करने वाले मुलायम सिंह यादव एक बार फिर विजेता साबित होंगे। इसी मेदांता से वो कई बार पराजित करके, संघर्ष करके, पराजित करके यहां से निकले हैं और अशोका रोड के अपने घर गए हैं। अशोका रोड के घर से विक्रमादित्य मार्ग पार्टी के कार्यालय और अपने आवास गए हैं। जो भरोसा है कार्यकर्ताओं, नेताओं, और अखिलेश यादव जब निकलकर बाहर आए तो मुझसे भी मुलाकात हुई, मैंने डॉक्टर नरेश त्रेहन से भी बात की अंदर जाकर। सबका ये कहना है कि इम्प्रूवमेंट तो है यथा, लेकिन जो मेडिकल बुलेटिन हो या यथा स्थिति की बात करती है, लेकिन कार्यकर्ताओं का हुजूम, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का आना जाना। और एक और खास बात आपको बता दूं कि एक फिल्म आई थी, अपने तो अपने होते हैं, जाहिर सी बात है जो इमरजेंसी का, जिसमें मुलायम सिंह यादव जी भर्ती हैं, उसके बाहर एक वेटिंग रूम है, उसमें एक अलग सा दृश्य सामने देखने को मिल रहा है। जब मैं गया तो वहाँ शिवपाल यादव जी बैठे हुए हैं, वहाँ प्रतीक यादव बैठे हुए हैं, वहाँ धर्मेंद्र बैठे हुए हैं, अखिलेश जी बैठे हुए हैं, साथ ही साथ प्रोफेसर रामगोपाल यादव बैठे हुए हैं। जब कोई विधायक, जब कोई कार्यकर्ता नेता जा रहा है तो शिवपाल यादव से अखिलेश जी ने कहा कि फला है ये मिर्जापुर से आया है, ये चुनाव लड़ा है, ये देवरिया से आया, ये बुलंदशहर से आया है, और ये परिचय आपस में चल रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि दुख की घड़ी में परिवार ही साथ देता है, परिवार एक साथ मजबूत होकर साथ में खड़ा है, ये देखने को मिल रहा है। और जो पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं, खुसुर फुसुर यही तो कह रहे हैं कि भैया ऐसे विकट विषम परिस्थिति में जो परिवार है वो एकजुट दिखाई दे रहा है। इसी की चाह मुलायम सिंह यादव कर रहे थे, और यही वजह है मुलायम सिंह की आखिरी इच्छा हमेशा से ये रही है कि परिवार और कुटुंब, जिसे उन्होंने पुष्पित पल्लवित करके सैफई परिवार के रूप में, देश के सबसे बड़े राजनैतिक परिवार के रूप में खड़ा किया, जिसकी पहचान बनाई, वो परिवार एक हो, एक साथ रहे। और शायद शायद इस बात का एहसास शिवपाल, अखिलेश सबको है, रामगोपाल को है, धर्मेंद्र और जितेंद्र जो भी हो सबको है कि एक साथ दिखें। मुलायम सिंह जी जब आंखें खोलें तो सबको एक साथ देखेंगे, देखेंगे, महसूस करेंगे, तो उनका संघर्ष खत्म होगा, और खत्म होने के साथ उनमें एक जो प्रत्याशा है, जीवन प्रत्याशा, वो और विकट और मजबूत होगी, और ऐसे में वो उठकर खड़ा होंगे, क्योंकि अंतिम समय में परिवार एकजुट अपनी दिखाना चाहता है, कार्यकर्ता भी यही चाहते हैं। और इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूं कि मेदांता ने कभी भी, बहुत सारे ऐसे राजनीतिक लोग यहां भर्ती हुए होंगे, लेकिन मेदांता ने कभी इतना कुर्ता पैजामा, धोती कुर्ता नहीं देखा होगा। ये नई पौध, ये जो नई फौज खड़ी किया मुलायम सिंह यादव ने कुर्ता पैजामा और धोती कुर्ता वालों की, ये उनके प्रति लगाए गए जो ये अंकुर बीज और ये पौध है, वही उन्हें देखने आ रही है। अभी भी हजारों देखकर जा चुके हैं, हजारों देखने आ रहे हैं, आज भी आए, परसों भी आए, नरसों भी आए, कल भी आएंगे,
और दुआएं और प्रार्थना लगातार चल रही है। संघर्ष करना पड़ रहा है अखिलेश यादव को इस मैदानता में घुसने में, जो फाइव स्टार से भी ज्यादा सुसज्जित और बहुत ही बेहतर तरीके से बनाया गया है, लेकिन संघर्ष करना पड़ रहा है अखिलेश यादव को बाहर निकलने में, कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने में। कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई पूछ रहा है कि नेताजी का क्या हाल है। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता, बड़े बड़े पदाधिकारी हम लोगों के पास आ रहे हैं, भैया आप लोग अंदर गए, डॉक्टर नरेश त्रिहन ने क्या कहा, डायरेक्टर ने क्या कहा, मेदांता ने क्या कहा, क्या क्या मेडिकल रिपोर्ट है। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो इन सड़कों पर बैठकर रात गुजार दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता नेता हैं जो कहीं होटल में हैं, बिल्कुल बाहर अपने। तो कुल मिलाकर हर कोई दुआ कर रहा है कि मुलायम सिंह यादव चिरंजीवी हो, जल्द स्वस्थ हो, और आप लगातार पल पल का अपडेट लगातार दर्शकों तक इसी तरह पहुंचाते रहिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीरेश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।